हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशरफ रजा, आई एम फ्रॉम हैदर एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम, जो क्लास 8th में पढ़ाई जाती है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो दोस्तों, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज। एक वर्ड होता है रिसोर्सेज। तो दोस्तों, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो है जिससे हमें कोई चीज प्राप्त हो, जिससे हमें कोई चीज प्राप्त होती हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मेडिसिन, व्हीकल्स, पेंट, पेंस, ये सब क्या है? ये मैन मेड्स हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जो है, ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं। और ये सब जो हमें प्राप्त होते हैं, सन, वाटर, एयर, फॉरेस्ट जो हमें प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों? वो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। तो नेचर से प्राप्त होते तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज उसे कहते हैं। तो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की दो टाइप्स के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। तो बात कर लेते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल वो है, फॉर एग्जाम्पल सन, वाटर, एयर। इनएग्जॉस्टिबल वो होता है जिसकी अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है, यानी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। यानी सन है, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है? अब चाहे जितने भी यूज कर लें, लेकिन ये चीज जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और दूसरा बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल वो है जिसकी लिमिट क्वांटिटी हो, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब जो है हम प्राप्त तो करते हैं मेन्स से, लेकिन ये क्या है, हमें इसको यूज करने पर क्या है, ये खत्म हो सकता है। इसकी एक लिमिट मात्रा है, जिसे हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो सकता है। और बात करते हैं मिनरल्स, ये भी हमें कहां प्राप्त होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं, लेकिन इसे हम यूज करेंगे तो खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल बनता है, तो इसलिए ये पेट्रोल और डीजल जो है वो इसकी लिमिट मात्रा है, खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसकी महंगाई बढ़ रही है। आप लोग तो जानते ही, बाकी भी जानते होंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो अभी कीमत बढ़ रही है, इससे लोग परेशान भी हैं। यही वजह है कि ये लिमिट क्वांटिटी है, ये लिमिट क्वांटिटी है, ये आगे चल के ये खत्म हो जाएगी। मेंस से तो हम हासिल करते हैं, लेकिन ये लिमिट होती है। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कोल। तो जो कोल के माना, आप समझ लीजिए, कोल का माना होता है कोयला। तो कोल हमें कहां से हासिल करते हैं? कोल होता है वो फोर टाइप्स के होते हैं। कोल जो होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में आता है एंथ्रासाइट, सेकंड में बिटुमिनस, थर्ड में लिग्नाइट और फोर्थ में है पीट। तो बात करते हैं ये जो एंथ्रासाइट है, ये इसमें 93% कार्बन होता है, 93% कार्बन होता है। बिटुमिनस में 84% ये कार्बन होता है, और लिग्नाइट है उसमें 64% कार्बन होता है, और पीट जो है तो दोस्तों इसमें 50 से 55% क्या होता है, कार्बन होता है। और बात कर लेते हैं कोल। कोल देखिए दोस्तों, ये कोल जो है, कोल बनता कैसे है? कोल जो है बनता कैसे है? आप यही सोचते होंगे कि कोल ऐसे ही जमीन के अंदर जो है बन जाता है किसी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल जो है वो बनता है हमारे एनिमल्स बॉडी और पार्टिकल प्लांट से बनता है। यानी मिलियंस ईयर्स अगो, एब्सेंस एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम एंड कोल। तो मिलियंस ईयर्स पहले जो है किसी भूकंप की वजह से जो जितने भी प्लांट होंगे
उस वक्त वो प्लांट क्या होगा और एनिमल्स के जो डेड बॉडी है वो जमीन के अंदर क्या जमीन के अंदर जब्त हो गया, जमीन के अंदर चला गया। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी लगती गई लगती गई, धीरे धीरे क्या हो गया, ज्यादा नीचे हो जाने के बाद क्या है, वही एनिमल प्लांट्स डेड बॉडी और प्लांट है और एनिमल्स डेड बॉडी जो है वो धीरे 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 मिलियंस 300 मिलियंस यस अगो पहले धीरे धीरे करके क्या होता, वही एनिमल एंड प्लांट्स जो है डेड बॉडी वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन है कि कोल बनता कैसे है। तो मिलियंस ईयर्स अगो हाई टेम्परेचर एब्सेंस एयर यानी हवा के बगैर जब हवा नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें हाई टेम्परेचर पड़ेगा और हाई प्रेशर पड़ेगा। तो इसके बिना पर क्या होता है, प्लांट्स हमारे जो होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज ऑफ कोल, यूज कोल जो है कहां हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कोल का यूज तो हम अपने घरों में यूज कर लेते हैं, आमतौर पर इंडिया में हमारे यूज करते हैं घर में इसका यूज करते हैं। और घर में जो यूज करते हैं वो कौन सा कोल होता है, वो हमारा होता है बिटुमिनस, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, बिटुमिनस होती है। उसमें 84% कार्बन होता है, इसमें ना ही ज्यादा धुआं वगैरह जो होता है, धुआं ज्यादा नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको घर में यूज करते हैं कुकिंग के लिए। और इसके यूजर्स हैं, कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल पावर में इसके जो होते हैं बिजली जो है, बिजली प्राप्त करने के लिए इसको वहां पे यूज किया जाता है। और बात कर लेते हैं, तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्रोडक्ट ऑफ कोल, प्रोडक्ट ऑफ कोल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कोक होते हैं, कोक है, कोल टार है एंड कोल गैस है। तो ये है कोक जो कोल है उनके प्रोडक्ट है, कोल से बनते हैं कोक, कोल टार, कोल गैस। कोक कोल गैस जो है इसको हीट करने पर, कोल जो है हीट करने पर हमें ये सब प्रोड्यूस होता है, ये सब प्रोड्यूस होता है। कोल टार हो गया, ये हमें रोड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसका कोल का जो है, कोल एंड पेट्रोलियम का जो सबसे पहले खोज कहां किया गया था और इसका कुआं कहां खोदा गया था। तो सबसे पहले है कि कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्टील लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन लंदन इन 1810 एंड देन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। तो सबसे पहले कोल का जो खोज किया गया था इसको किस वजह से खोज किया गया था, स्टील लाइट के लिए, इसको लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया था, खोजा गया था। और उसके बाद जो है कोल का सबसे पहले कहां खोज किया गया था, कोल का जो कुआं है खोदा कहां गया था, तो सबसे यूएसए के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। इसका जो कुआं होता है पेंसिल्वेनिया के लंदन, यूएसए के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोला गया था। और सेकंड नंबर पर आता है कोल एंड पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का जो खोज किया गया था, सेकंड नंबर पे हमारा भारत है, हमारे भारत में सेकंड नंबर पर कोल का खोज किया गया था सबसे पहले आसाम के माकूम में, सेकंड नंबर पे था आसाम के माकूम में 1867 में खोजा गया था। तो दोस्तों अगर यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।